केपी चौधरी साहब, एक बात बताइए, आज इलेक्शन चालू हो गए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, आपका देश ही नहीं पूरे विदेश के अंदर आप सभी जगह से बहुत अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे और पूरे देश के अंदर क्या रिजल्ट लेके निकलेंगी? देखिए, अभी तो क्योंकि रिजल्ट अभी छत्तीसगढ़ का तो चुनाव हुआ है और वो पेटियों बंद है जी, और राजस्थान और मध्य प्रदेश अभी प्रोसेस में है जी। पब्लिक का जो मूड है तो वो क्या बनेगा, फाइनली क्या बनता है जी, ये तो बैलेट पेपर जब खुलेंगे तो उसी समय बताया जाएगा। लेकिन मैं फूलपुर, कैराना और गोरखपुर के चुनाव परिणाम जो लोकसभा के आए हैं उनके आधार पर ये कह सकता हूँ कि अब बहुजन समाज इकट्ठा हो गया है और बहुजन समाज की एक चाहत है कि अब बहुजन समाज के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उसे आगे आना चाहिए और बहन मायावती इसके लिए पूरे देश में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में, सर्वमान्य उम्मीदवार के रूप में सामने उभरी हैं, क्योंकि उनको हरियाणा की चौटाला परिवार ने, उनको चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी जी, अगर हम बात करें बिहार की तेजस्वी यादव की, अगर बात करें हम अखिलेश यादव की, तो जगह जगह जितने भी स्टेट्स के अंदर जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं सभी ने बहन जी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, अपना उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और जो हालात दिन पर दिन बनते जा रहे हैं उनके आधार पर, और फिर क्योंकि प्रमाण सामने है, फूलपुर का लोकसभा चुनाव, गोरखपुर का लोकसभा चुनाव, कैराना का लोकसभा चुनाव, ये चुनाव के परिणाम इस तरफ इंगित करते हैं कि इस बार 2019 में बहुजन समाज को अब आगे आना पड़ेगा, देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी और बहुजन समाज के एक संयुक्त कैंडिडेट के रूप में बहन जी एक सबसे उपयुक्त कैंडिडेट बनकर उभरी हैं और ऐसा हमारा मानना है, हमारी इच्छा है, हमारी अभिलाषा है, हमारी अमल, हम ऐसा मानते हैं कि निश्चित रूप से बहन जी को इस देश के सर्वोच्च पद शासन अध्यक्ष प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित करना चाहिए। आप थे केपी चौधरी साहब जो बहुजन समाज की बात को जन जन तक नहीं पूरे देश विदेश तक लेके जाते हैं और कहीं भी बहुजन समाज पे ऊपर अत्याचार होता है तो सबसे पहले उस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। आप केपी चौधरी साहब, ऐसे में से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम नमोद्धार, बहुत बहुत धन्यवाद।